गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पिछले साल पूछे गए पेपर्स में जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उसमें से टॉप 25 क्वेश्चंस। ये इस सीरीज का पहला पार्ट है। ऐसे ही आगे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे IMP इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हम पार्ट्स बनाने वाले हैं, और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट्स जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, उन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हम लोग पार्ट्स बनाने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज बनाने वाले हैं। तो अगर आपको हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है वो बढ़ सके, और प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे हो अगर आपने एग्जाम दी है तो अगर आपको याद आ सके और रिवीजन हो सके, और अगर आप नए हो तो आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और ये क्वेश्चंस आप देखोगे पढ़ोगे तो इससे आपको अपने एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फायदे भी होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गायों में मिल्क फीवर किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम, यानी कि गाय जो होती है उनमें मिल्क फीवर होता है। अब ये किसकी कमी की वजह से होता है? तो इसका उत्तर होता है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी की वजह से गायों में मिल्क फीवर देखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी जीव का जीनोम यानी कि सभी जीन का समग्रता 1996 में पूरा हुआ था, इस जीव का नाम बताएं। यानी कि एक जीव है जिसका जीनोम 1996 में पूरा हुआ था, अब इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंसान। यानी कि हमारा जीनोम 1996 में, यानी कि सभी जीन का समग्रता यानी कि जीनोम 1996 में पूरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तकनीकों में से एक किसी एक बच्चे के पितृत्व को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? DNA का मात्रात्मक विश्लेषण, यानी कि DNA का मात्रात्मक विश्लेषण, ये एक है ऐसी चीज़ है जिसे किस एक बच्चे के पितृत्व को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब उस बच्चे का पिता कौन है ये गैस करने के लिए या ये पहचानने के लिए स्थापित किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में DNA भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण जैव प्रौद्योगिक की श्रेणी में आता है? तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्राप्त जीवित जीवों या पदार्थों का उपयोग, यानी कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में जो प्राप्त जीवित जीव है या उनके पदार्थ है उनका उपयोग जैव प्रौद्योगिक श्रेणी में आता है। निम्नलिखित तकनीकों में से किसने हत्याओं, डकैतियों और बलात्कार से जुड़े कई रहस्यों को हल करने में मदद की है? तो DNA फिंगरप्रिंट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी तकनीक है जिसकी वजह से काफ़ी सारे हत्याओं, डकैतियों और बलात्कार से जुड़े हुए रहस्यों को सॉल्व करने में, हल करने में मदद की गई है। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट वेबस्टर अपने कौन सी शोध काम के लिए जाने जाते हैं? तो इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसकी खोज की गई है रॉबर्ट वेबस्टर, और इसी की वजह से वो काफ़ी जाने भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिक वाणिज्यिक उत्पादन किसके लिए एक नया जैव प्रौद्योगिक दृष्टिकोण है? तो मोनोक्लोन एंटीबॉडी, अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिक वाणिज्यिक उत्पादक एक नया जैव प्रौद्योगिक दृष्टिकोण है। अगला क्वेश्चन है, दैहिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का आवेदन क्या है? तो जानवरों की प्रजनन क्लोनिंग, जानवरों की प्रजनन क्लोनिंग के लिए दैहिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का आवेदन है। चिकित्सा इतिहास में सबसे पहले किस ऑपरेशन को सफलता मिली है? तो प्लास्टिक सर्जरी ये ऑपरेशन है जिसको चिकित्सा इतिहास में सबसे पहले सफलता मिली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, जीवित जीवों की गतिविधि को नियंत्रित करने में जीन का प्रभाव किसके माध्यम से है? तो प्रोटीन संश्लेषण, यानी प्रोटीन संश्लेषण के माध्यम से ही जीवित जीवों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में जीन काफ़ी प्रभावित रहता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक कोड द्वारा एक मध्यवर्ती
एडाप्टर अणु के माध्यम से अनुवाद किया जा सकता है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है mRNA। अब mRNA है ये आनुवंशिक कोड द्वारा एक मध्यवर्ती एडाप्टर अणु के माध्यम से अनुवादित किया जा सकता है। चावल की अधिक पैदावार वाली किस्म कौन सी है, यानी कि कौन सी ऐसी किस्म है चावल की जो ज़्यादातर उत्पादित की जाती है, तो उसका उत्तर है 1R8। अगला क्वेश्चन है, जेरोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो प्रोसेस ऑफ एजिंग का अध्ययन जेरोंटोलॉजी करती है। अब इसको ड्रायन का सिद्धांत कहा जा सकता है। तो योग्यतम का अस्तित्व और अस्तित्व के लिए संघर्ष, यानी कि योग्यता का अस्तित्व और अस्तित्व के लिए संघर्ष, ये ड्रायन का एक सिद्धांत कहा जा सकता है। नेत्रदान में दाता की आँख में के निम्नलिखित भागों में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो कोर्निया। कोर्निया नेत्र का एक भाग है जो नेत्रदान में दाता की आँख के निम्नलिखित भागों में से एक भाग है जिसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो महिला के लिए प्रोटीन के दैनिक सेवन की सिफारिश की है, महिला के लिए कितने प्रोटीन की दैनिक सेवन की सिफारिश की है? तो इसका उत्तर है 47 ग्राम, यानी कि दिन के 47 ग्राम महिलाओं के लिए प्रोटीन की सिफारिश की गई है। दिल को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है, यानी कि इसको कहा जाता है कोरोनरी धमनियाँ। अब कोरोनरी धमनियाँ है जिसे दिल को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियाँ कहा जाता है, जो दिल तक रक्त को पहुँचाती है उस धमनियों को कोरोनरी धमनियां कहते हैं। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, वो किसमें मौजूद होता है? स्किन, यानी कि हमारे इस बॉडी की जो स्किन होती है उसमें होता है ये प्रोटीन अल्फा केराटिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कॉपर ल्यूटियम कोशिकाओं का एक द्रव्यमान है जो पाया जाता है अंडाशय में, यानी कि अंडाशय में कॉपर ल्यूटियम कोशिकाओं का एक द्रव्यमान पाया जाता है। जंपिंग जीन के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बारबरा माइक माइक क्लिंटॉक बारबरा माइक क्लिंटॉक के द्वारा जंपिंग जीन के सिद्धांत को स्थापित किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। अब मछली का सेवन अन्य जानवरों के मांस की तुलना में स्वस्थ माना जाता है, क्योंकि मछली में ब्लैंक होता है, तो मछली में पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जिसकी वजह से मछली का सेवन अन्य जानवरों के मांस की तुलना में काफ़ी स्वस्थ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे फेफड़ों में गैसों O2 और CO2 का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो अल्वेओली। हमारे फेफड़ों में अल्वेओली में गैसों यानी कि O2 और CO2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। गैस ये थे हमारे पिछले साल पूछे गए कुछ क्वेश्चनों में से टॉप 25 क्वेश्चंस। हम आगे ही इसका सेकंड पार्ट लाने वाले हैं जिसमें और 25 क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।